और जो किसान है वो अन्नदाता के साथ साथ जीवनदाता भी है। और बड़ी खुशी हो रही है कि जब तीसरा कृषि रोडमैप बन रहा था 2017 में, तो उस समय भी महागठबंधन की सरकार थी, हम लोग सब लोग साथ थे। और जब आज चौथा कृषि रोडमैप जब बन रहा है, जहां किसानों को यहां बुला करके उनके सलाह पर जो कृषि रोडमैप बनेगा और आप सब लोग यहां जो आए हैं, जहां मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार बैठी है एक संवाद कर रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री के साथ पूरी सरकार, पूरी अधिकारी, पूरे मंत्री किसानों के साथ साझा कर रहे हैं, सामने बैठ करके उनको सुझाव को सुन रहे हैं, तो इससे बड़ी कोई बात जो है हो नहीं सकती कि आगे आने वाले समय में हमारी क्या योजनाएं होंगी, कैसे कृषि के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बिहार युवा प्रदेश होने के नाते ये कृषि प्रधान राज्य भी है, और बिहार में अलग अलग समस्याएं हैं, बाढ़ हो, सुखार हो, अलग अलग नेचर ऑफ लैंड है, उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरी सरकार कृषि रोड मैप के जरिए जो किसानों की समस्या है उस निदान के लिए कई योजनाएं हम लोग चलाते हैं, ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सुविधाएं हम दे पाए। और मैं आप सब लोगों को इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारी सरकार जो है किसानों को लेकर के, खेती को लेकर के हम लोग गंभीर हैं, चिंतित हैं। और जैसा पूर्व में कृषि मंत्री जी ने जो मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं, कृषि सलाहकार हैं मंगलम राय जी ने आप सबों के समक्ष अपनी बातों को रखा है कि आगे वो क्या क्या करेंगे, और कुछ दिनों में जो है कृषि रोडमैप जो चौथा जो है वो बन करके तैयार होगा, उसमें हर एक चीज़ों का हम लोग जो है ख्याल रखेंगे, खेत से लेकर के बाजार तक का जो है आप लोगों का ख्याल रखा जाएगा। इस बात को लेकर के हम आप लोगों को इतना ज़रूर कहेंगे कि आप लोगों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ये जो महागठबंधन की सरकार जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी है, हम लोग सब लोग गंभीर हैं और हम लोग समझते हैं कि कृषि क्षेत्र में अगर हम पूरा काम करें तो हम जो है किसानों की समस्याओं को ही नहीं दूर कर सकते हैं, बल्कि किसानों की जितनी उत्पादन है उसको भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। और हम तो चाहेंगे कि बिहार के उत्पादन किए हुए जितने फल, सब्जी जो है, या मछली जो है, अब तो मछली भी जो है दूसरे राज्य जाना शुरू हो गया, लेकिन हम तो उस सोच वाले व्यक्ति हैं कि बिहार के किसानों का उगाया हुआ चीज देश विदेश में हर एक कोने में जाने का काम हो। तो इसके लिए एक पूरी तैयारी जो है किया जा रहा है। हाँ, तीन कृषि रोड मैप में कुछ काम हुए हैं, कुछ बाकी है, और जो आगे जो बचा हुआ काम है उसको चौथे में लेकर के, और समस्याओं को देखते हुए, मौसम की स्थिति को देखते हुए वैसी सारी योजनाएं बनाई जाएंगी। तो हम सब लोग यहाँ आज हम लोग सब लोग बैठे हैं, जहाँ लगभग 5000 किसान जो है उपस्थित है, और हम लोगों की कोशिश है कि आप लोगों को जो है सही मूल्य जो है उत्पादन का मिले, समस्या ना आए, कोई बिचौलिया जो है आप लोगों को पॉकेट में सेंध ना मारे, इस पे भी हम सब लोगों का ध्यान है। लेकिन बहुत अच्छा रोड मैप बना है पहले भी, और मुझे पूरा यकीन है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जहां राय जी एक बड़े विद्वान हैं, एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, एक अच्छा रोड मैप हम लोगों को देंगे। लेकिन हमारी गुजारिश होगी कि जितने भी अधिकारी हैं, जब रोड मैप तो उसका जब
तक इम्प्लीमेंटेशन, जब तक धरातल पे उसको हम लागू नहीं करेंगे, तब तक वो कृषि रोड मैप सफल नहीं हो सकता। तो हम तो यही चाहेंगे कि जितने भी अधिकारी हैं, इन जब लागू किया जाए तो सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाए, ताकि ज़मीनी स्तर पर योजनाओं का लाभ किसान हमारे उठा पाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप लोग देख, हम बिहार जो है पिछड़ा राज है, गरीब राज है, और लगातार कृषि के क्षेत्र में हम लोगों का उत्पादन कई एक चीज़ों में बढ़ा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ा है, और मुख्यमंत्री जी और हम सभी लोग बिहार के लोग को की कामना है कि बिहार तो अपने बलबूते जितना पैसा लगाना हो वो लगा रहा है, लेकिन बिहार जब गरीब पिछड़ा राज है तो कम से कम हम लोगों को केंद्र से जो सहयोग मिलना चाहिए वो तो मिले, तभी बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग केंद्र से सहायता मांगते हैं। अभी जो बजट आया देश का, आप देखिएगा कि बिहार को क्या मिला, कुछ नहीं मिला, सुन बट्टा सन्नाटा, कहीं नहीं, बिहार को ठगने का काम किया गया। और आज भी हम लोग मांग करते रहे कि भाई बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, विशेष पैकेज मिल जाए, तो केंद्र सरकार जो है इस पे कोई अमल नहीं करती, बोलती हम देंगे ही नहीं, हम नहीं देंगे। तो आप समझिए कि हम लोग तो अपना रिसोर्सेज जो है, पैसा जो है, जितना हो सकता है लगा रहे हैं, लेकिन और थोड़ा अगर हम लोगों को सहयोग मिल जाता, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिल जाता, स्पेशल पैकेज मिल जाता, तो जो परेशानियां हैं चाहे किसानों की हैं या बिहार के लोगों की हैं, उसको दूर करने में हम लोग जो है सक्षम रहते, और बिहार जो है हमारा टॉप 5 स्टेट में आ जाता, जहां सबसे बिहार के देश के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं जो बिहार के हैं, इनका नेतृत्व हम लोगों के सामने। तो हम सब लोग तो फिर से इस मंच के माध्यम से तो हम मांग करना ही चाहेंगे कि भाई केंद्र सरकार में जो लोग बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी के मांग को, कम से कम उसको मांग को, हमारी मांग को वो पूरा करें। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि बड़े लंबे समय से आप लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, सुबह से ही आप लोग दूर दराज से आए हुए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार समीक्षा रोड मैप की गई है, मंगलम जी ने भी बताया कि कैसे फिर से उनको रखा गया और सारी बातें की गई, यानी आप गंभीरता जो है ये समझ सकते हैं कि हमारा पूरा जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता जहां हमारी देने की बात आएगी, तो बिहार में हम लोग किसानों को देने का काम करेंगे। और आप लोगों को यही कहना चाहेंगे कि ये जो सरकार है ये गरीब किसान की सरकार है, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं, कहीं भी दुख हो या कहीं परेशानी हो तो हम सब लोग आपको सुनेंगे और आपके लिए काम करेंगे, और ये लगातार ये चल भी रहा है। अब बताइए, अब जब कोऑर्डिनेशन इतना बढ़िया है, जहाँ 5,000 किसान आकर के मुख्यमंत्री से अपनी बात को रख रहे हैं, सलाह मान रहे हैं, और जहाँ सरकार मुख्यमंत्री आपका सलाह लेने के लिए, आपके राय को लेने के लिए बैठे, उन सारी चीज़ों को हम लोग ले करके एक रोड मैप बना सकें, वो विजन है मुख्यमंत्री जी की, तो कितनी अच्छी बात है। यहाँ तो किसानों की सुनी जा रही है, सलाह पर काम किया जा रहा है, लेकिन कहीं तो किसानों से मिलने का समय नहीं होता, लेकिन हीरो हीरोइन लोगों से जो थम्सअप कोला बेचते हैं उन लोगों से मिलने का समय रहता है, लेकिन किसानों से मिलने का उन लोगों के पास समय नहीं। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ, हमारे जितने अन्नदाता जीवनदाता यहाँ उपस्थित हुए हैं, आपकी जितने राय आप लोगों ने देने का काम किया है, राय देने के लिए आप सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, और आप सब लोगों से बस हम इतना ही कहेंगे, ये विश्वास और भरोसा जो है इस सरकार के प्रति आप रखने का काम कीजिए, ताकि मिलजुल करके हम आपकी समस्याओं का निदान करेंगे, और सारा कुछ जो है आने वाले समय में एक एक करके आपकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी को, कृषि मंत्री को, और उनके सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी को, मंगलम जी को, मुख्यमंत्री जी के जो सलाहकार हैं अंजनी जी को, दीपक जी को, सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। आप सब लोगों का
हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार।